जैसे नवाबपुरा, जैसे आजमशाह चौक, नवाबपुरा जैसे हम लोग पद यात्रा करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर भी पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है और इस समस्या का हल हम निकालेंगे और बहुत जल्द बहुत अच्छा हल निकालेंगे। मैं चुनकर के आया तो मैं ऐसी मल्टी पार्किंग बनाऊंगा कि यहाँ की जनता को पार्किंग की पूरी समस्या, जनता की पार्किंग की समस्या पूरी खत्म हो जाएगी और जो गली गली में जैसे जाम लग जाता है, गाड़ी खड़े रहने की जगह नहीं है, वो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मध्य नागपुर विधानसभा सीट से कैची चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार शकील खान, इन्होंने आज भी अपने चुनाव प्रचार दौरे को जारी रखा। आज शकील खान ने प्रचार की शुरुआत मध्य नागपुर सीट अंतर्गत आने वाले आजम शाह चौक से की। प्रचार कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने नवाबपुरा और आसपास के इलाके की जनता से सीधा संपर्क साधने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिलता दिखाई दिया। निर्दलीय उम्मीदवार खान के अनुसार मध्य नागपुर की तमाम जनता ट्रैफिक और पार्किंग जैसी बड़ी समस्या से जूझ रही है। आए दिन लोगों में ट्रैफिक जाम और पार्किंग को लेकर विवाद होना आम बात है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आज तक किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि का इस बढ़ती समस्या की ओर ना ध्यान गया और ना ही उन्होंने इस परेशानी का कोई हल निकालने की कोशिश की। देखिए यह खास रिपोर्ट। मध्य नागपुर की विधानसभा सीट यहाँ पर नवाबपुरा में इस समय मौजूद है। यहाँ हमारे साथ में निर्दलीय उम्मीदवार शकील खान है, उनसे बात करते हैं किस तरीके से वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शकील जी बताइए किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और प्रतिसाद कैसा है जनता से, कितने जनता से आप जुड़े हैं अभी तक? देखिए मैं आज पदयात्रा के लिए फिर से निकला हूँ और बड़ी खुशी की बात थी कि जनता जो है बहुत उत्साहित है और बहुत खुश है कि एक नौजवान हमारे बीच में खड़ा हुआ है जो परिवर्तन चाहता है और वो भी परिवर्तन चाहते हैं। और मैं जो हूँ कम से कम अभी जो है 7 से 8 हज़ार लोगों से मिल चुका हूँ और अभी मेरा जो टारगेट है कम से कम 10 हज़ार और लोगों से मैं मुलाकात करूँगा। नवाबपुरा इलाके में भी आप, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सही घना एरिया है, छोटी गलियाँ हैं, यहाँ की क्या समस्या हो सकती है और उनका समाधान किस तरीके से करेंगे? जैसे नवाबपुरा, जैसे आजमशाह चौक, नवाबपुरा जैसे हम लोग पद यात्रा करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर भी पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है और इस समस्या का हल हम निकालेंगे और बहुत जल्द बहुत अच्छा हल निकालेंगे। अगर मैं चुन करके आता हूँ तो मैं ये समझ लीजिए ऐसी पार्किंग की व्यवस्था करूँगा कि यहाँ के लोग खुश हो जाएंगे और वो जो मल्टी पार्किंग जो स्कीम्स है वो सारी मेरी जहन में, क्योंकि मैं इंडिया और इंडिया से बाहर भी मैंने कई दौरे किया है तो मुझे पता है कि मल्टी पार्किंग कैसे होती है, वो सारे जो नक्शे है वो सब मेरे दिमाग में है। मैं चुनकर के आया तो मैं ऐसी मल्टी पार्किंग बनाऊंगा कि यहाँ की जनता को पार्किंग की पूरी समस्या, जनता की पार्किंग की समस्या पूरी खत्म हो जाएगी और यहाँ के लोग खुशहाल होंगे, बहाल होंगे और जो गली गली में जैसे जाम लग जाता है, गाड़ी खड़े रहने की जगह नहीं है, वो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे पार्किंग का आपने विषय उठाया है, काफ़ी बड़ा मुद्दा और अभी तक के शायद किसी उम्मीदवार ने ये विषय उठाया नहीं है अभी तक। इसमें जनरली ये देखा जाता है कि जो गाड़ी लगाता है और जिसका घर या दुकान होती है वहाँ पर उनके बीच आपसी रंजिश हो जाती है, बिना मतलब के झगड़े हो जाते हैं, तो आप मतलब इस चीज़ को कैसे कम कर पाएंगे फिर? देखिए मेरा जो प्रयास है ये रहेगा, ये बहुत अच्छा प्रयास रहेगा जिससे लोगों के बीचों की जो रंजिशें हैं, जो झगड़े और फसाद लोगों के बीचों में जो पार्किंग को लेके होते वो समस्या पूरी ख़त्म हो जाएगी। मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि जो पार्किंग रहेंगी उससे मोहल्ला ही नहीं बल्कि आजू बाजू जो दुकानें हैं, जो लोग भी हैं, उनकी भी समस्या ख़त्म हो जाएगी इस पार्किंग से। तो ये थे शकील खान, निर्दलीय उम्मीदवार मध्य नागपुर से। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ मुकुंद चौरसिया, महान्यूज़ 7 नागपुर।